टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने गुरुवार को बताया कि टेस्ला इंक के प्रमुख और अरबपति उद्यमी मस्क ने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। अब वे धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के शेयरों में गुरुवार को उछाल के साथ मस्क की कुल दौलत बढ़कर 188.5 अरब डॉलर हो गई, जो जेफ बेजोस से 1.5 अरब डॉलर अधिक है। पिछले साल टेस्ला के शेयरों में 8 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी बन गई है। शेयरों में उछाल से मस्क की संपत्ति बढ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो कंपनी में उनकी 20% हिस्सेदारी है और उनके पास लगभग 42 अरब डॉलर के पेपर गेन्स हैं। टेस्ला का शेयर गुरुवार को 7.4% की बढ़त के साथ 811.61 डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में कहा गया है कि मस्क अभी भी अमेजॉन के बेजोस से 7.8 अरब डॉलर पीछे हैं। 12 महीने में मस्क की दौलत में 150 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट पेमेंट्स कंपनी पेपाल होल्डिंग्स इंक के कोफाउंडर और बिक्री करने वाले मस्क अब दुनिया के कुछ सबसे फ्यूचरिस्टिक कंपनियों का नेतृत्व करेंगे। मस्क 3 साल में ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने अमेजॉन के संस्थापक को इस पद से हटा दिया है, क्योंकि बेजोस अक्टूबर 2017 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप पर बने हुए थे। टेस्ला ने पिछले साल केवल 5 लाख कारों का उत्पादन किया, जो फोर्ड मोटर कंपनी के आउटपुट का एक हिस्सा है। कंपनी को आगे भी मुनाफा कमाने की उम्मीद है। टेस्ला के अलावा वह रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स और न्यूरोलिंक एक स्टार्टअप को मानव मस्तिष्क के कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स और टेस्ला के कोफाउंडर मस्क की नेटवर्थ 6 जनवरी 184.5 अरब डॉलर पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ बेजोस से महज 3 अरब डॉलर कम रह गई थी। बेजोस अक्टूबर 2017 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कुर्सी पर काबिज थे और उनकी नेटवर्थ 187 अरब डॉलर थी, लेकिन गुरुवार को टेस्ला के शेयरों में आई तेजी ने उनकी बादशाहत छीन ली। टेस्ला ने पिछले साल 5 लाख कारें बनाई और इन्हें डिलीवर किया। फोर्ड मोटर कंपनी और जनरल मोटर्स कंपनी की तुलना में यह आंकड़ा कुछ भी नहीं है। जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स की जीत से टेस्ला की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के पक्ष में है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे TV9 डिजिटल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।